आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रेगनेंसी ज्ञान में, जहां हम आपको बताते हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली समस्याएं और उनका समाधान, खान पान और एक्सरसाइजेस और भी बहुत सारी जानकारी। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फौरन सब्सक्राइब करें। तो आज हम आपको बताने वाले हैं नवजात बच्चों को पीलिया होने पर इलाज के साथ दे ये नेचुरल थेरेपी, जल्द ही होगा आराम। शिशु के पैदा होने के बाद कुछ दिनों तक उसे रोगों का खतरा रहता है। नवजात बच्चों में पीलिया के मामले बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। पीलिया के कारण शिशु की त्वचा पीली पड़ने लगती है। शिशु का पीलिया युवाओं के पीलिया से अधिक गंभीर होता है, इसलिए उन्हें पीलिया से बचाने के लिए कुछ खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। पीलिया का कारण शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा का बढ़ जाना होता है। ये बिलीरुबिन एक तरह का पीला पदार्थ होता है जो रेड ब्लड सेल्स के टूटने से बनता है। छोटे शिशुओं का लीवर धीरे धीरे विकसित होता है, जिस कारण बिलीरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता और शिशुओं को पीलिया हो जाता है। आइए जानते हैं क्या है वो नेचुरल थेरेपी। हाल में हुए एक शोध में यह बताया गया कि शिशुओं और छोटे बच्चों में पीलिया होने पर अगर उन्हें इलाज के साथ साथ रोज थोड़े समय धूप में रखा जाए तो वो जल्द और आसानी से ठीक हो सकते हैं। धूप में विटामिन डी होता है। धूप में रहने के कारण शिशु के शरीर में मौजूद बिलीरुबिन टूट जाते हैं और यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। इसलिए नवजात शिशुओं को हर समय कमरे के अंदर रखने की बजाय थोड़ा देर धूप में भी रखना चाहिए। आमतौर पर जन्म के 10 से 15 दिन बाद लीवर अच्छी तरह से विकसित हो जाता है और अपना काम करने लगता है। अच्छी रोशनी वाले कमरे में शिशु की छाती को हल्के से दबाएं। दबाव हटाते समय अगर शिशु की त्वचा में पीला बनाने लगे तो अपने डॉक्टर से बात करें। साफ रंगत वाले शिशु को यह तकनीक बेहतर परिणाम देती है। अन्य शिशुओं में पीलिया की जाँच करने के लिए उनकी आँखों के सफेद हिस्से, नाखून, हथेलियों या मसूड़ों में पीलापन तो नहीं है। शिशु में पीलिया की शुरुआत उसके सिर से होती है। सबसे पहले शिशु का चेहरा पीला पड़ जाता है, उसके बाद सीने और पेट में फैल जाता है, सबसे अंत में पैरों में फैलता है। शिशु की आंखें भी पीली हो जाती हैं। पीलिया के लक्षण शिशु में जितनी देरी से पता चलेंगे खतरा उतना ज्यादा होता है। अगर पीलिया 10 दिन से ज्यादा रहता है तो परिणाम घातक हो सकते हैं। समय पर शिशु में पीलिया की जाँच न हो पाने पर बच्चा मानसिक रूप से भी बीमार हो जाता है। शिशु में अगर पीलिया के लक्षण दिखे तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर समय से पहले बच्चा जन्म लिया तो ज्यादा खतरा होता है। नवजात बच्चों के समय से पहले जन्म लेने के कारण भी पीलिया की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा नवजात में पीलिया का कारण माँ और बच्चे के ब्लड ग्रुप का अलग अलग होना या असामान्य होना भी होता है, या फिर शिशु में किसी भी प्रकार के संक्रमण के कारण भी पीलिया हो सकता है। कई बार नवजात शिशुओं में एक सप्ताह से अधिक पीलिया होने पर फिर पीलिया के दौरान बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है, जिस वजह से बच्चे को मानसिक या कई गंभीर तरीके की बीमारियां हो सकती है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर भी कमेंट कर सकते हैं।